हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आज का मेरा व्लॉग, व्लॉग नहीं कहेंगे इसे, बस एक छोटी सी शॉर्टकट कुकिंग रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही क्विक बनती है। सोया पुलाव मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और बहुत ही इजी है, बहुत ही कम सामान में आप इसको बहुत जल्दी ही रेडी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या सामान है। मैंने राइस को अच्छे से भिगो के सोक कर लिया है और सोया चंक्स को भी मैंने भिगो के और एक बार बॉयल देके उसको अच्छे से बॉयल होने दिया है। और मैंने एक प्याज कटी हुई ली है, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, तेज पत्ता है, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब सामान है। और साथ ही में ये बिरयानी मसाला, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ये पैन लिया है, उसको मैंने अच्छे से बॉईल होने के बाद मैंने उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। इससे जो भी हमारा राइस होता है वो चिपकता नहीं है और बहुत ही अच्छे से अलग अलग रहता है। और मैं 2 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड करूँगी। सो अब इसका बॉईल ये हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें राइस डालूँगी। तो जब तक हमारा ये पानी राइस वाला बॉईल हो रहा है, ये जो मेरे खड़े मसाले हैं मैं इसको हल्का सा दरदरा कूट लूँगी, इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ये राइस डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। हमारा राइस आधा पक चुका है, अब हमने जो ये नींबू काटा था ये अब हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद बस थोड़ा सा ही इसको पकाएंगे, इसको फुल राइस एकदम गलाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा इसको 70-80% पकाएंगे और 20% रहने देंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे, तो ये पक जाएगा अच्छे से। सो देखिए हमारे राइस कितने अलग अलग दिख रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा ये राइस पक चुका है, अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद ये हम कटी हुई प्याज डाल देंगे, फिर हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एकदम रेड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा नॉर्मल सा कर लेंगे। अब इसमें हमने तेज पत्ता भी डाल दिया है, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। और जो कुटे हुए मसाले थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। सब अच्छे से पकाने के बाद मैंने सोयाबीन भी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, इससे अच्छा सा दिखता है ये। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और इसमें नमक भी मैंने डाल दिया है। और जो मेरे बॉयल्ड राइस थे इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, ये राइस हमारा अच्छा दिखता है, एकदम बिरयानी टाइप से दिखता है। तो इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, उसको भी मिक्स कर लेंगे, एक साथ नहीं डालते हैं जिससे कि ये एकदम मिक्स ना हो, राइस एकदम अलग अलग रहे, इसलिए हम नमक पहले ही डाल देते हैं। अब मैंने सारा राइस इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसको हल्के हाथों से चलाएंगे। पहले हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और ये बिरयानी मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसको एक दो बार चलाने के बाद इसको हम ढक देंगे। और थोड़ा अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें लिड बंद कर देंगे, इसको 10 मिनट तक ऐसे ही धीमे आंच पे पकाएंगे। और ये हमारा यहाँ पे राइस एकदम रेडी हो चुका है, मैंने इसमें प्लेट में भी इसको सर्व कर दिया है। और आप देखिए कितना अच्छा है, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी है। बाय बाय।